हेलो एवरीवन माय सो शुभ्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल वाईटी प्रेप अप तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे मिरर और वाटर इमेज आई थिंक सबको क्लियर होगा बट अगर क्लियर नहीं है तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स यानी कि कथन एवं तर्क तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का यहाँ पॉइंट डिटेक्ट हो जाता है जहाँ तक मैंने एनालिस किया उसमें ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे मार्क्स कट जाता है जिनका तो ये बहुत इजी सा बहुत ही अच्छा टॉपिक है इसको आप बस ध्यान से समझना एंड आई थिंक इससे आपका क्लियर हो जाएगा आज के सेशन के बाद और मार्क्स नहीं कटेगा कर तो करते क्या है और होता क्या ये स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स तो इसमें कुछ भी सोशली पॉलिटिकली कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं और उस पर एनालाइज कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं क्लियर उस पर एनालाइज करते हैं हम लोग दोनों जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं मीन्स दो आर्ग्यूमेंट्स गिवन होते हैं और उस पर हम लोग एनालस करते हैं वन बाई वन और हम लोग निकालते हैं स्ट्रॉन्ग कौन सा आर्ग्यूमेंट है तो हम उसके हिसाब से कॉन्क्ल्यूजन निकालते हैं तो कैसे हम लोग ये कॉन्क्ूजन निकालते हैं वो ध्यान देना कौन सा हम लोग का आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है ये कैसे पता करेंगे तो सबसे पहले फॉरन आर्ग्यूमेंट तो भी स्ट्रांग उसके लिए क्या करना क्या होता है कि जब भी कोई भी आर्ग्यूमेंट सिक्योरिटी ऑफ ए नेशन नेशन के सिक्योरिटी पे हो कोई आर्ग्यूमेंट या डेवलपमेंट पे हो या एजुकेशन डेवलपमेंट पे हो या सुप्रीमेसी हो मीन्स कोई भी ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स किसी सुप्रीम अथॉरिटी का हो वो आर्ग्यूमेंट हमेशा स्ट्रांग होगा या प्रैक्टिकल हो कुछ कोई एडवाइस सजेशन या कुछ भी बोला गया हुआ वो सब प्रैक्टिकल हुआ और स्ट्रांग होगा वो आर्ग्यूमेंट हमेशा स्ट्रांग होगा या कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर हम लोग किसी एडवाइस या अजम्पशन ये सजेशन सॉरी नॉट अजम्पशन सजेशन कर रहे हैं बट वो प्रैक्टिकल है इमोशनली और एथिकली नहीं सोच रहे हम लोग तो हमेशा स्ट्रांग होगा आई क्लियर तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो एक आर्गुमेंट को स्ट्रांग बनाते हैं ये आप नोट कर लो एंड सम मोर पॉइंट्स और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो स्ट्रांग बनाता है एक आर्गुमेंट को कभी भी किसी यूनिवर्सल फैक्ट का बात किया जाए यूनिवर्सल फैक्ट का हम बात करें या हमेशा टू द पॉइंट हो वो आर्ग्यूमेंट जो भी स्टेटमेंट गिवेंट हो उसी पे एकदम टू द पॉइंट अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट है तो वो स्ट्रांग होगा क्लियर है सबको या बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हो तो वो हमेशा स्ट्रोंग आर्ग्यूमेंट होगा ऑलवेज हमेशा ये बातें ध्यान में रखना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है और कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक है तभी हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं वीक आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है वो देखेंगे कोई भी आर्ग्यूमेंट जो हम लोग इमोशनली सोचते हैं देखते हैं कोई भी आर्ग्यूमेंट गिवन हो बट वो इमोशनली सोचा गया हो वो हमेशा वीक होगा या किसी सिंगल इंडिविजुअल के लिए बोला गया हो मीन्स मान लेते हैं कि ये सिर्फ मेरे हित में बोला गया है ये आर्ग्यूमेंट मैं सिर्फ अपने थिंकिंग पे सोच रही हूँ वो हमेशा वीक होगा वो कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट थिंकिंग वी नो दिस कि हर एक इंडिविजुअल की थिंकिंग अलग होती है तो हमेशा किसी एक काम लोग नहीं सोच सकते नेक्स्ट इज कि कभी भी कंपैरिजन किया गया हो, किसी कंट्री का किसी भी स्कीम्स का कुछ भी ऐसा कंपैरिजन कर दिया गया वो वीक होगा किसी डेवलपमेंट का बात किया गया हो एक आर्ग्यूमेंट में और उस पर उस डेवलपमेंट के अगेंस्ट बात हो रहा हो वो हमेशा वीक होगा क्लियर या कभी कोई भी चीज अनक्लियर के बहना हाफ एक्सप्लेन होगा तो भी वो वीक आर्ग्यूमेंट होगा ये सारी बातें हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना है कि कभी भी कोई टॉपिक है मतलब मीन्स कोई आर्ग्यूमेंट है वो गिवन है बट प्रॉपरली गिवन नहीं हाफ है हाफ गिवन है उससे हम लोग को पूरा मीनिंग नहीं मिल रहा है कि वो आर्ग्यूमेंट इट कैन होल्ड स्ट्रॉग तो तब तक हम लोग का वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वो हमेशा हमारा वीक आर्ग्यूमेंट में जाएगा आई क्लियर तो ये सारी बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है वीक आर्ग्यूमेंट और स्ट्रोंग आर्ग्यूमेंट के लिए वीक आर्ग्यूमेंट क्या क्या होते हैं इम्प्रैक्टिकल जो भी होगा थिंकिंग होगा या कोई बातें बोली गई हो सजेशंस हो जो भी हो जो इम्प्रैक्टिकल होगा वो वीक हो जाएगा कंपेरिजन्स किया गया हो अनक्लियर गिवन हो अनक्लियर आर्गुमेंट्स मीन्स हाफ एक्सप्लेन हाफ एक्सप्लेन आर्ग्यूमेंट हमेशा वीक रहेगा उसके बाद कभी भी अगर सजेशंस मीन्स कोई भी सजेशंस है कोई भी एडवाइस है वो इम्प्रैक्टिकल है यहाँ पे भी वही बातें हैं तो वीक ही रहेंगी चाहे वो कोई भी सजेशन ना भी हो कोई भी किसी भी स्कीम पे या किसी भी गवर्नमेंट पे ओपिनियन ही हो या कुछ भी हो सजेशन ओपिनियन सेम मीन्स अगर कुछ भी हो तो वो इम्प्रैक्टिकली अगर हम लोग सोच रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में सोच रहे हैं तो हमेशा वो वीक हो जाएगा क्लियर किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोला गया हो बहुत किसी भी एक आर्ग्यूमेंट में किसी टॉप स्टेटमेंट को बहुत बढ़ा चढ़ा करके एक्सप्लेन किया गया हो वो हमेशा वीक हो जाएगा क्लियर ये होती है वीक आर्ग्यूमेंट्स ये सारी बातें ध्यान में के हम लोग डिसाइड करें कि वेदर द स्टेटमेंट इज वीक और मींस वेदर द स्टेटमेंट सॉरी आर्ग्यूमेंट इज वीक और स्ट्रांग सबको ये सारी बातें ध्यान में हम लोग रखेंगे तभी हम लोग देखेंगे कि एक आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉग है या वीक है उसके बाद क्वेश्चन कैसा कैसा आता है इस पे किस टाइप से आता मान लेते एक स्टेटमेंट गिवन होता है ठीक है उस स्टेटमेंट्स पे दो आर्ग्यूमेंट्स है आर्ग्यूमेंट वन आर्ग्यूमेंट टू ठीक है हम लोगों को कंक्लूजन निकालना होता है यानी कि निष्कर्ष वो ऑप्शन क्या होता है पांच ऑप्शंस के वन होंगे ऑप्शन वन ओली आर्ग्यूमेंट वन स्ट्रोंग सेकेंड होगा ओली आर्ग्यूमेंट टू स्ट्रोंग सी होगा टू तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग ये कैसे डिसाइड करें कि आर्ग्यूमेंट में either वन और टू है कौन सा आर्ग्यूमेंट कैसे हम लोग पता करेंगे स्टेटमेंट में जब कोई आर्ग्यूमेंट गिवन है तो वो ये ऑप्शन होल्ड कर रहा है वो कैसे करें? वो भी मैं बता रही हूं ऑप्शन डी रहेगा नीदर वन नॉट टू मतलब कि ना ही ऑप्शन ना ही क्न वन ना ही कंक्लूजन ना ही आर्ग्यूमेंट वन ना ही आर्ग्यूमेंट टू उसके बाद एक ऑप्शन होगा बोथ एंड टू इज क्लियर ये पांच ऑप्शंस गिवन होंगे हम लोगों को इसमें से एक मार्क करना होता है दो आर्ग्यूमेंट गिवन होते हैं ये हम लोगों को अच्छे से एनालाइज करना होता है स्टेटमेंट पे और उसके बाद हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं तो एक दो क्वेश्चन करते हैं बाकी हम लोग क्वेश्चन सेशन में करेंगे तो आप नोट कर लो और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने वीक आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं बताया है वो ये है वर्ड्स लाइक ईच एवरी ओनली नो वन ऐसा कुछ यूज है एक्से तो हमेशा वो वीक आर्ग्यूमेंट होगा या अजम्पशन किया गया है तो भी वो वीक आर्ग्यूमेंट ही हो ये हम लोग हमेशा ध्यान में रखना तो यहां पे मुझे बताना था कि इधर वन और टू पे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे कि ये आर्ग्यूमेंट ईदर वन और टू पे होगा तो उसके लिए क्या करते हैं जब भी कोई स्टेटमेंट गिवन होगा और उसका आर्ग्यूमेंट वन एडवांटेज शो कर रहा होगा और आर्ग्यूमेंट टू डिसएडवांटेज शो कर रहा होगा तब हम लोग हमेशा और ये दोनों ही स्ट्रांग होगा ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रांग होगा तो हम लोग इधर वन और टू वाले कंक्लूजन पे मार्क करेंगे क्लियर क्या कहा मैंने कि हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे कि कंक्लूजन इधर वन और टू ही होगा तो जब भी कोई भी स्टेटमेंट गिवन हो और उसके ऊपर जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे आर्ग्यूमेंट वन एडवांटेज शो कर रहा होगा बट आर्ग्यूमेंट टू डिसएडवाटेज मीन्स ये दोनों अपोजिट हो गए एक दूसरे के ये बिल्कुल एडवांटेज शो कर रहा है ये बिल्कुल डिसएडवांटेज शो कर रहा है तो क्या हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं किसी एक को कि हाँ बस एडवांटेज देख लीजिए डिसएडवांटेज का छोड़ो वो गया कहीं गया उसका क्या ही है ऐसा नहीं है यह सिर्फ डिसएडवांटेज देख लिया एडवांटेज है क्या एडवांटेज तो एडवांटेज ऐसा नहीं कर सकते हम लोग हम लोगों को दोनों ध्यान में रखना है तो जब दोनों ही देख रहे हैं तो हम लोग इधर वन और पे करें क्लियर हो गया सबको अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर होगा अब तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कि करना कैसे कंफ्यूजन निकलना है तो आपको क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख जाएगा और मैं सॉल्व करती हूँ तो पहला क्वेश्चन शुड अबॉर्शन बी लीगलाइज इन इंडिया स्टेटमेंट इज शुड अबॉर्शन बी लीगलाइज इन इंडिया आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट वन यस इट इट्स लीगल इन मेनी कंट्रीज सेकेंड नो अबॉर्शन इज ऑल्सो काइंड ऑफ मर्डर सो यहां क्या करेंगे हम लोग कैसे कंक्लूजन निकालेंगे कैसे आर्ग्यूमेंट देखेंगे कि वीक है कि स्ट्रोंग है तो पहला आर्ग्यूमेंट है यस इट्स लीगल इन अदर कंट्रीज तो मैंने क्या बताया था कि यहां जब भी कंपेरिजन आ जाए तो वो जो आर्ग्यूमेंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा वीक क्योंकि यहाँ अदर कंट्रीज से कंपैरिज़न किया जा रहा है इंडिया का क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट था शुड अबॉर्शन बी लीगलाइज इन इंडिया तो यहाँ पे कंपैरिज़न किया गया इसीलिए ये वीक आर्ग्यूमेंट हो गया तो पहला वाला तो गया आर्ग्यूमेंट वीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है नो अबॉर्शन इज ऑल्सो काइंड ऑफ मर्डर तो ये किसी किसी को इमोशनली अगर सोचेंगे तो लग रहा होगा स्ट्रांग है बट इट इज नॉट क्यों नहीं है क्योंकि यह हाफ एक्सप्लेन है कैसे तो यहां क्या कह रहा है कि अपोर्शन इज ऑल्सो काइंड ऑफ मर्डर यह हाफ एक्सप्लेन है ये पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है कि क्या कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में तो ये हाफ एक्सप्लेन इसलिए ये भी स्ट्रांग नहीं है ये भी क्या हो गया वीक तो हम लोग क्या चूज करेंगे कंक्लूजन तो हमारा कंक्लूजन होगा इफ नीदर वन नॉट टू आर स्ट्रॉन्ग तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर है सबको नेक्स्ट शुड मिलिट्री ट्रेनिंग बी मेड कंपल्सरी इन आर कंट्री तो यहां स्टेटमेंट है शुड मिलिट्री ट्रेनिंग बी मेड कंपल्सरी इन आर कंट्री आर्ग्यूमेंट येस एवरी चाइल्ड शुड गो थ्रू दिस ट्रेनिंग नेक्स्ट no it's not compulsory in usa look on the second argument here yahan pe kya hai is question mein yahan pe second argument keh raha hai it's not compulsory in usa usa aur india ka comparison ho gaya hai abhi to ye kya hai weak क्योंकि मैंने बताया जब भी comparison होगा तो वो क्या होगा हो, वो argument weak यानी कि ये खत्म सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट तो यहीं से ख़त्म अब पहले वाले पे जाएंगे पहला क्या कह रहा है तो पहला आर्ग्यूमेंट है येस एवरी चाइल्ड शुड गो थ्रू दिस ट्रेनिंग तो ये सबको लग रहा होगा स्ट्रॉग है कि हाँ सारे बच्चों को ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए बट ये नहीं है ये क्यों नहीं है क्योंकि सारा बच्चा मतलब सारे बच्चे फिजिकली फिट नहीं होते कुछ मेंटली फिट नहीं होते तो वी कैन नॉट से एवरी और मैंने ये भी कहा जहाँ भी ये सब वर्ड आ जाए वो वीक हो जाता ठीक है तो सबसे पहली बात ये अगर हम लोग नॉर्मली भी सोचे कॉमन सेंस भी अप्लाई करें तो यहाँ क्या है कि सारा बच्चा तो मेंटली फिट नहीं होता या फिजिकली फिट नहीं होता तो सारे बच्चे नहीं जा सकते ट्रेनिंग के मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए और यहाँ एवरी चाइल्ड का बात हो रहा है तो ये भी क्या हो गया वीक यानी कि इसमें भी ऑप्शन नंबर डी क्लियर है सबको नेक्स्ट शुड द प्राइवेट सेक्टर बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज स्टेटमेंट इज should the private sector be allowed to participate in development of railways arguments yes this is one of the ways to provide better services to the public no there will be exploitation and fares may also increased तो यहाँ क्या है सबसे पहले सेकंड आर्गुमेंट अगर हम लोग देखें तो सेकंड आर्गुमेंट क्या कह रहा है कि नहीं तो क्यों नहीं तो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि एक्सप्लॉयटेशन और फेयर्स में ऑल्सो इन मे और मे नॉट यानी कि यहाँ पे श्योरिटी नहीं है श्योर नहीं है या सर्टेनिटी नहीं है सर्टेन नहीं है यानी कि यहाँ पे जब सर्टेन नहीं नहीं भी तो बढ़ सकता फेयर्स यानी कि जब सर्टेन नहीं है श्योर नहीं है तो ये भी क्या हो गया वीक न

सॉरी शुडिस डिसमेंट पॉलिसी बी एडॉप्टेड इन इंडिया शुड डिसमेंट पॉलिसी बी अडॉप्टेड बाई इंडिया आर्ग्यूमेंट ये विल प्रोमोट पीस एंड एंकरेज अदर कंट्रीज टू डू द सेम नो इट विल पोज अ सिक्योरिटी थ्री टू इंडिया तो यहाँ क्या हुआ यहाँ देखेंगे आर्ग्यूमेंट टू नो इट विल पोज अ सिक्योरिटी थ्री टू इंडिया तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है सिक्योरिटी का बात हो रहा है तो यहाँ पे सिक्योरिटी की बात की जा रही है इंडिया की तो ये स्ट्रांग हो गया वेरी स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट हो गया क्योंकि तो हमने तो लोगों देखा था कि जब भी कंट्री के डेवलपमेंट या सिक्योरिटी की बात होगी तो वो क्या हो जाएगा स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट वाइल फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है ये सीट विल प्रमोट पीस एंड वुड इनकरेज अदर कंट्रीज टू डू द सेम हे अगेन अदर कंट्रीज यानी कंपेरिजन अदर कंट्रीज का बात आ गया तो ये क्या हो गया वीकर वन तो हम लोग का क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी ओनली टू एम आई क्लियर तो ये होता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ईजी होता है हम लोग क्वेश्चन सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे सो दैट यहाँ जिसका भी मार्क्स कटता है मेनली यहीं कटता है तो नेक्स्ट टाइम से ना कटे इसीलिए हम लोग क्वेश्चन सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और आप जाओ बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड आम श्योर अब बन जाएगा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यू कैन ड्रॉप अ कमेंट तो आज के लिए बस इतना ही मिलता है नेक्स्ट सेशन में थैंक यू